दोस्तों, सभी के माइंड में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं या फिर अच्छी आदत से ज़्यादा बुरी आदत होती है। आपको वो करने में मज़ा आता है जिसमें आपका एंटरटेनमेंट होता हो। आप वो नहीं करते जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो बोरिंग होता है। आप अगर स्टडी कर लोगे तो आपको नॉलेज मिल सकता है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, बट जब भी स्टडी करने बैठते हो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि स्टडी बोरिंग लगती है। माइंड उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जल्दी जाता है जो एंटरटेन करती है। जब भी कोई मूवी देखते हैं तो उसे फील करने लग जाते हैं, उसी कैरेक्टर में घुस जाते हैं, आपको वह रियलिटी लगने लग जाती है, जबकि आपको पता है कि वो सिर्फ एक ड्रामा है। बट इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है। सभी का कोई ना कोई सपना होता है जिसे वह पूरा करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि यह सपना अगर पूरा हो गया तो मज़ा आ जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। वो सपना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको वर्ल्ड टूर करना हो सकता है आपका सपना हो मेरा खुद का अपना घर हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। किसी का सपना है बिजनेस करने का, या किसी को गवर्नमेंट जॉब लगना है, या किसी को IPS IAS बनना होता है। कोई भी सपना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, उस सपने को इमेजिन करो और सोचो कि आप उस सपने को असल में जी रहे हैं, वो सपना सच हो गया है। अगर वर्ल्ड टूर का सपना है तो इमेजिन करो कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में घूम रहे हैं। अगर बिजनेस करना है तो इमेजिन करो कि आप अपने कैबिन में बैठे हो, आपके साथ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ इमेजिन करो। अगर IAS या IPS बनना है तो सोचो कि आप काम कर रहे हैं, आपके जूनियर्स आपको सैल्यूट कर रहे हैं, सब कुछ इमेजिन करो जो भी आप करना चाहते हो। सिर्फ एक दिन नहीं है, रोज 21 दिन तक करो, फिर देखना ये आपकी आदत बन जाएगी और साथ ही आपके सपने भी धीरे धीरे पूरा होने लगेंगे। ये मैं नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हो तो इसी 21 डे रूल को फॉलो करो और फिर देखना जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ को अपनी आदत बनाना चाहते हैं, उस काम को 21 दिन तक करो, आप देखोगे कि अब आपकी आदत बन चुकी है। हर जगह आपकी किस्मत साथ नहीं देती है, आपको भी कुछ करना पड़ता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति निहित है। जब कोई आपकी आदत बन जाती है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप संचालित होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कार चलाना। जब आप कार चलाना सीख रहे होते हैं तो आपको अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि अभी गियर बदलो, या अभी ब्रेक लगाओ, या एक्सेलेटर दबाओ, कुछ भी। लेकिन जब आप कार चलाना सीख जाते हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप सब कुछ होता है। कार चलाना जब सीख रहे होते हैं तब जब कॉल आ जाता है वो भी नहीं उठाते हैं, लेकिन जब आप परफेक्टली उसको चलाना सीख जाते हैं तो आराम से कॉल पे घंटों बात कर सकते हैं, आराम से साथ बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब सीख रहे होते हैं तो ये सब नहीं कर सकते होते, क्योंकि हमें अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना होता है। अगर हम किसी से बात करेंगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। किसी भी काम को आदत बनने में 21 दिन लगते हैं, और जिस दिन किसी अच्छी चीज़ को आप अपनी आदत बना लोगे, समझो सक्सेसफुल बन जाओगे। आपको सक्सेस होने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके अंदर से आएगी। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की, इस पर काम करने की, मेहनत करने की। सो दोस्तों, आप भी एक ऐसी आदत बनाओ जो अच्छी हो और आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। दिस वॉज दर्श साइनिंग ऑफ।